और सुखजिंदर भाई क्या हाल चाल है? बहुत अच्छे प्रदीप भाई, वेलकम। पहले तो आप आए हैं जी पंजाब में। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। तो सुखजिंदर भाई एक बार बताओ, सबसे पहले एक बार अपना नाम, अपने फार्म का नाम और आप कहाँ के रहने वाले। वैसे तो सारे लोग जानते ही है, पर तब भी जो लोग नए ऐड होते हैं तो उनको भी जरा पता लग जाए। बिल्कुल जी, मेरा नाम है जी सुखजिंदर सिंह ब्राड है। जो मेरा विलेज का नाम है जी वो उदयकरण है। डिस्ट्रिक्ट मेरा मुक्तसर पड़ता है, मुक्तसर साहिब। हाँ जी, मुक्तसर साहिब पड़ता है। और जो स्टड फार्म का नाम है, मैं और मेरा कजन ब्रदर है, अभी साथ में काम कर रहे हैं, ब्राड एंड संधु स्टड फार्म में जी। ओके, हाँ जी भाई। तो सुखजिंदर भाई कैसी लगी हुई है इस बार मंडी? मंडी ठीक है जी, माहौल तो पहले बहुत अच्छा चल रहा था, तो अच्छे नए लोग भी जुड़ रहे थे, लेकिन ये जो वेदर का दिक्कत आई है उससे थोड़ी परेशानी हुई है। ओके। तो कुछ जो अच्छे अच्छे एनिमल्स है कि वो रात को ही घर पे लौट गए। वैसे मैन कौन कौन से मैन घोड़े आए थे मंडी के अंदर? मैन तो अच्छा जी गुजराज भी आया हुआ था, और अच्छे नए नए बच्चे, और कुछ लोग तो आज के दिन के लिए तैयारी कर रहे थे कि लेके आएंगे। अच्छा, तो लेकिन वो सेटअप ही आपने भी देखा होगा पूरा का पूरा। हाँ, मेरे को लोगों ने बताया कि आंधी आ गई, बताई रात को। हाँ, आंधी भी आई थी, तो हल्की बारिश भी थी। तो ये हर बैसाखी पे आती आती है क्या? वैसे तो ये हर बार का ही काम हो ही गया जी। अच्छा, हर बार का। हाँ, हर बार होते आराम फिक्स हो गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे यानी अब की बार मंडी में किस तरीके के, यानी कि सेल परचेज वाले घोड़ा घोड़ी, यानी कि उसके बारे में जरा डिटेल बताओ, किस तरीके के घोड़ा घोड़ी पहुंचे मंडी में? जानवर तो प्रदीप भाई मंडी में हर तरह की पहुंचते हैं। अच्छा। लेकिन जो खरीदने वाले हैं, जो इस बार जो देखे हैं, सभी लोग अच्छे जानवर की तरफ ही अट्रैक्ट हुए हैं। ओके। जो पहले सिंपल घोड़ियां भी लेते थे, कुछ चंबी वगैरह घोड़ियां लेके बच्चे पैदा करते थे, तो उनका भी इस बार जो इंटरेस्ट हुआ है वो अच्छी नुकरी घोड़ियां और अच्छी मारवाड़ी घोड़ियों के ऊपर। तो वो क्या है उसकी रीजन, यानी कि लोग अब अच्छा ही पसंद करने लग गए? सबसे ज्यादा भाई उसकी देन है वो जो आप जैसे भाई हैं जो यूट्यूबर हैं, उन्होंने लोगों को बताया कि घोड़ों की एक्चुअल कीमत क्या है, घोड़े कैसे कैसे लोग पालते हैं। उन्होंने देखा, आपने पूरा ऑल इंडिया दिखाया उनको भी कैसे कैसे लोग घोड़े पालते हैं, तो उनके भी दिल में आया कि अच्छे घोड़े पाले जाएं। तो इसीलिए जो लोग हैं नॉर्मल घोड़े लेते थे, तो आज के समय पे अच्छे घोड़ों वाली तरफ। तो इस मंडी में अगर मैं बात करूँ व्यापारियों की, तो व्यापारी वगैरह कैसे आते हैं? व्यापारी ऐसा ना कि एक तो वेदर में थोड़ी गर्मी होती है, और एक सीजन होता है कि गेहूं की कटाई भी अभी पंजाब में चल रही है। हाँ, इस टाइम पे वो भी सीजन पूरा जोर पे चल रहा है। ओके। ये मंडी है, चेंज भी नहीं कर सकते हैं, और जो बुजुर्ग है जो बताते हैं पहले कि ये 100 साल से मंडी लग रही है। 100 साल से। हाँ, ये टाइम भी नहीं चेंज हो सकता, लेकिन टाइम ऐसा हो गया है कि ये सीजन में आ जाती है। तो इस मंडी में मैंने थोड़ा सा ये देखा है कि थोड़ा सा व्यवस्थाओं का अभाव रहता है। नहीं, इस बार ऐसा है कि पहले थोड़ा रहता था, क्योंकि ऐसा है कि कोई भी आदमी आगे लग के कोई भी काम करने के लिए रेडी नहीं था। इस बार मंडी के लिए भाइयों ने अच्छा किया है, कमेटी बनाई गई, कमेटी से जो बिजली है वो बिल्कुल फ्री दी गई है, और 24 आवर्स दी गई है। अच्छा। पानी की फैसिलिटी है वो पानी फ्री है। ओके। और गाड़ियां आती है कि वो आपके वहाँ पे आके पानी डाल के जाते हैं जी। अच्छा। और कोई भी दिक्कत आती है तो वो हर चीज के लिए जो इस बार की मैनेजमेंट है कि वो रेडी रहती है। तो कोई कमेटी बना दी गई है? हाँ, कमेटी बना दी गई है। अमृतसर वाले, अमृतसर वालों ने जो कोई अच्छे 5-7 भाई हैं उन्होंने रल के कमेटी बनाई है। तो सुखजिंदर भाई एक चीज और बताओ, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मंडी से घोड़ा ले के फार्म से घोड़ा ले, तो आपको क्या लगता है मंडी से सस्ता मिल जाता है कि फार्म से अच्छा मिल जाता है, कि फार्म से महंगा मिलता है, मंडी से सस्ता मिलता है, क्या है यानी कि? नहीं भाई, मैं तो ये मानता हूँ कि सस्ता तो आज के टाइम पे सोचिए मत, वहाँ पे मंडी में आने के बाद लोगों को जानवरों की क्वालिटी का पता चलता है। ओके। क्योंकि हजारों जानवर एक जगह पे देखने के लिए मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो जब भी वो जानवर खरीदते हैं तो जो जानवर उन्होंने पहले देखे होते हैं उनके प्राइस पूछे पता किए होते हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा वो करते हैं, जब भी उस जानवर का प्राइस ऐसा था तो इसका ऐसा है, तो थोड़ा लोगों को इजी हो गया कि जानवर लेना। Okay. जानवर तो लोग कहीं से भी ले रहे हैं, अच्छी घोड़ी मंडी से भी बिक रही है और अच्छी घोड़ी फार्म से भी बिक रही है। पर मंडी में पर है ये है कि थोड़ा सा फार्म से हल्का सा सस्ता तो मिल ही जाता है। वो क्या होता है ना भाई, जैसे कि आप मान के चलिए, मैं वैसे इस बार जानवर नहीं लेके आया हूँ देखने के लिए। मंडी में कोई भी भाई आता है, सबसे बड़ी बात तो वो अपने जानवर दिखाने के लिए आता है, अपने फार्म की पहचान देने के लिए आता है कि लोगों को जानवर दिखा दें और जानवर है वो घर पे बिके। क्योंकि इस टाइम में जो सबसे ज्यादा घोड़े पालक में आगे बढ़ रहे हैं वो सबसे ज्यादा पंजाब है। पहले के टाइम इसकी क्या वजह है?
देखो अब देखो घोड़े पालक बनने की दो वजह हो सकती है, एक तो ये कि भाई उनको पैसा दिख रहा हो, हाँ, और एक दूसरा ये कि शौक है। नहीं, दोनों ही चीजें साथ में, लोगों को शौक भी है भाई और साथ में पैसा भी दिखता है। नए अच्छे पढ़े लिखे लड़के हैं भाई, कोई जॉब मिल नहीं रही है, जॉब ना मिलने की वजह से लोग नशे में पड़ रहे हैं, पंजाब का बुरा हाल हो रहा था। तो आज के टाइम पे माँ बाप भी सोचते हैं कि और नहीं तो इसको घोड़ा ले दो, ये घर पे उसकी केयर तो करेगा ना। पर देखो उसमें सुखजिंदर भाई बुरा मत मानना, क्योंकि देखो पंजाब के सारे लोगों से मेरा अच्छा संबंध है, ठीक है सब, पर एक जो लोग मार्केट में जो चर्चा हो रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यानी कि जैसे मान के चलो कोई भी चीज आती है झूठ की बात या कुछ भी, तो उसमें लोग पंजाब का नाम ही क्यों लेते हैं? यानी क्या है इसकी वजह? यानी घोड़े ज्यादा इस वजह से या कुछ लोगों की वजह से पूरा पंजाब बदनाम है? ये जो भाई वैसे तो बात आपने ऐसी पूछी है कि ये कंट्रोवर्सी वाला काम है। देखो कंट्रोवर्सी वाला काम है, पर जो जो सच है वो आप बताओ, ये चीज है कि नहीं है? है, पंजाब का नाम लेते हैं झूठ में। लेकिन और देखो आप एक चीज ये भी है कि पंजाब में ऐसे भी आदमी है जो इतना सच बोलते जिसकी कोई हद नहीं है, हाँ, पर ऐसे भी है कि जो इतना झूठ बोलते, ये रेशो हर जगह रहता है, ऐसा नहीं कि पंजाब में ही है रेशो। मैंने थोड़ा सा भाई जो काउंट किया है कि झूठ का चक्कर तो मारवाड़ी में चल रहा है। आपको पता है कि जो पंजाब की जो ब्रीड है वो नुकरा है, तो नुकरा इन्होंने मारवाड़ी में इंटर नहीं किया कि ये तो मारवाड़ी में पड़ता ही नहीं है। जो सफेद कलर के घोड़े हैं वो मारवाड़ी रिंग में नहीं कभी खट सकते, क्योंकि वो पंजाब ने ब्रीड की थी। और जितने बड़े लोग हैं और स्टेटों के, ज्यादा ये राजस्थान ने पैदा किए हैं घोड़े मारवाड़ी। ओके, उन्होंने क्या बोला कि आपके पास नौकरा होगा लेकिन मारवाड़ी का तो कोई तोड़ ही नहीं है। फिर पंजाबियों ने क्या किया कि राजस्थान की तरफ अटैक कर दिया और वहां से मारवाड़ी घोड़ियां लेनी शुरू कर दी। 2008-09 में कोई भी आदमी किसी की लाइन नहीं पूछता था ये कौन से घोड़े की है, सिर्फ घोड़ी की कंडीशन देखी जाती थी। पंजाबियों ने खूब घोड़ियां पैदा कर पंजाब में ले आए, अच्छी मारवाड़ी घोड़ियां। तो फिर राजस्थान ने एक चाल और चली, वो चाल क्या चली कि आपके पास काली घोड़ियां मारवाड़ी है लेकिन आपके पास अनोन है, हमारे पास लाइन वाली है। अच्छा अच्छा ये नया पंगा आ गया। हाँ, ये नया पंगा आया। पहले मैं किसी भी आदमी की बात करो कौन लाइन के बारे में बात करता था भाई? कोई नहीं करता था, कोई नहीं करता था, क्योंकि उन्होंने लगा कि वो जो चीज है वो पंजाब अपनी। ये जो लाइन का पंगा आया है, जब से YouTube में हम वीडियो बनाने, देखो थोड़ा बहुत हमारा भी वो है ना, हाँ। जैसे हम किसी भी घोड़े के बारे में भाई यहाँ पर किस लाइन का है, तो वो नए आदमी को लगा भाई लाइन 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 का है ना। अब ये है कि उसमें क्या होता है, 50% घोड़ा तो घोड़ी तो लाइन के होते हैं, और एक अगर हम पूछ ले कि भाई कौन सी लाइन का है, तो आदमी कहता अच्छा इसने पूछा है तो चलो ठीक है भाई ये बुलंद का बच्चा है, तो वो छोड़ देता है, जैसे उसको भी नहीं पता कि वो किस लाइन का किस लाइन का नहीं है। नहीं, फिर वही हुआ ना भाई जो मैं बताना चाहता हूँ। फिर राजस्थान ने एक चाल चली, क्योंकि नहीं तो जो मारवाड़ी घोड़ियां थी वो पंजाब में भी होगी थी। पंजाब में जो अच्छे पशुपालक थे वो पंजाब से काली घोड़ियां खरीदनी शुरू कर रहे थे, राजस्थान को इग्नोर करना शुरू किया। फिर उन्होंने उनको ये लगा कि हमारे पास ग्राहक कैसे आए, फिर उन्होंने लाइन वाला इशू शुरू कर दिया। फिर जो जानवर ज्यादा चले हैं वो राजस्थान से चले हैं, जो उन्होंने बोल के दिए हैं कि ये चाहे तो बोले कि वो कोई बच्ची है वो अलीशान की है, जहाँ तूफान की बोला है उन्होंने, किसी भी घोड़े की बोला है, दी तो राजस्थान वालों ने है ना। तो आज के टाइम पे उनको ये लग रहा है कि पंजाब वाले झूठ बोल रहे हैं। भाई पंजाब वाले क्यों झूठ बोलेंगे? जितना मारवाड़ी है, मारवाड़ी पैदा तो राजस्थान ने किया, हम तो राजस्थान से लेके आए हैं, वो बताएं कि उन्होंने फिर हमें झूठ बोल के दी होंगी भाई, तो इसीलिए पंजाबियों को झूठा बोला जा रहा है। फिर जब भी उन्होंने बोला कि लाइन के घोड़े हैं, तो पंजाब वालों को मैं सलूट करता हूँ कि ये जिस काम के पीछे पड़ते हैं कि उसका तो एंड करवा देते हैं, जिस काम के पीछे पड़ते हैं वो इलाका खाली कर देते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। इन्होंने जितने अच्छे अच्छे घोड़े थे भाई नाम सारे लेके आ गए, पूरे पंजाब में लेके आ गए। मेरे लगता है इंडिया के शायद 10 में से टॉप 5-6-7 घोड़े पंजाब में, वो पंजाब के पास ही है। और फिर इन्होंने क्या इशू कर दिया अभी, फिर ये उस बात पे भी नहीं टिके। अभी इशू चल रहा है जी डीएनए का, भी डीएनए होना, सब घोड़े विदेश जाएंगे। हाँ, विदेश जाएंगे, चलो वो तो एक अलग बात है, क्योंकि पासपोर्ट बन रहा तो विदेश तो जाएंगे। पासपोर्ट पे तो भाई आप किसी भी घोड़े के साथ डीएनए नहीं भी मैच होगा तो अननोन लिखा जाएगा, उनको तो कोई मैटर ही नहीं है कि वो कौन से घोड़े का है कौन से का नहीं है। अभी जैसे एक छोटी सी एग्जाम्पल है, गूगल वाले एक बिहार का लड़के को लेके गए हैं भाई, गूगल ने कुछ सेकंड के लिए गूगल को हैक किया, हैक करके गलती बताई थी, उसकी गलती बताई थी कि उन्होंने ठीक भी कर दी, वो कर दी थी उसकी, उन्होंने जात थोड़ी पूछी है भाई, उसके बाप का नाम थोड़ी पूछा है उसको, उनको क्या मतलब जात से।
हाँ, उन्होंने तो उसका टैलेंट देखा, उसका टैलेंट देखा, फिर वही मैं चाहता हूँ भाई, जो फॉरेनर घोड़े ले रहे हैं या रिलायंस वाले ले रहे हैं, उनको तो भाई इशू ही नहीं है कि वो कौन सी लाइन का है कौन सा है, नहीं, वो तो घोड़ा देख रहे हैं, घोड़े की अच्छी शेप देख रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी चाल है भाई जो चल रही है, ठीक है। और ये देखो सुखजिंदर भाई, एक चीज ये भी है ना, देखो चाल है, अब बेचारा चाल पुराना आदमी तो समझ जाता है, अब वो बेचारा नया आदमी कहाँ से इनकी चाल समझे, वो तो चाल जब ही समझ पाता है जब गड्ढे में गिर जाता है। भाई मैंने हर वीडियो में हर भाई को ये बोला है कि आप घोड़ी देखिए, उसकी कंडीशन देखिए, उसके माँ बाप के बारे में मत पूछिए, जब भी आपका सौदा हो जाता है। तो माँ बाप के बारे में पूछ रहे तो मान के चलो 5 लाख की GST लग गई, भाई वो तो लगेगी लगेगी जब भी वो ऐसा सवाल करेंगे। और आज के टाइम पे नया लड़का भी कोई तैयार होता है ना तो आके भाई क्या बोलता है, देवराज का नाम चल रहा है, कांटे का नाम चल रहा है, दलबाग का, भाई देवराज की बच्ची है आपके पास, दलबाग की मानी चलो उसके पास में अननोन खड़ी हुई तो वो सोचेगा अच्छा ये देवराज, वाह बोला भाई यही है देवराज की, वो तो नहीं चलो लोग ज्यादा बोलते, लेकिन लोगों को पता तो चलने लगा कि ये लाइन के पीछे लोग पड़ रहे हैं, तो लोग फीस भी दे रहे हैं, तो घोड़ों की अमाउंट भी बढ़ेगी बढ़ेगी लोगों की। जैसे मैं सभी लोग भाइयों को नहीं बोलूंगा, 50% लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ लोगों की बात सुन के ही जानवर लेते हैं, अपना दिमाग यूज ही नहीं करते हैं वो। यार देखो सुखजिंदर भाई, इसमें मैं एक एक चीज और बोलना चाहूंगा, हाँ जी, कुछ लोग जैसे मान के चलो मैं 5-6 लोग बैठे हुए हैं, हाँ जी भाई, अब बेचारा वो आता तो पूरा सब कुछ वीडियो देख के सब, क्योंकि उसको सारे फॉर्मूले वीडियो में बता दिए होते हैं भाई तेरे साथ ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी ऐसा हो सकता भी है, सब बता दिया होता है, पर वो बेचारा जब आता है पास में बैठा, मान के चलो एग्जांपल के तौर पर मान के चलो अपन बैठे हुए लोग, बिल्कुल, अब आपके पास से उठ के गया, उस आपके पास से जाके उसको 3 लोग और समझा रहे हैं भाई ऐसे ऐसे, तो वो एक तरीके से बोले जो ग्रुप ठगी होती है वो उसका शिकार हो जाता है, जहां तक मैंने देखा है और जहां तक फोन आते हैं लोगों के और पता लगता है कि भाई हम उसके पास गए, उसने ऐसे बोला ऐसे बोला ऐसे करके, तो वो आदमी का दिमाग क्या बिल्कुल चेंज कर दिया जाता है। अब नया आदमी मार्केट में आया है, अब उसको इतने दाब पेच थोड़ी पता है कुश्ती के, अब वो तो दाब पेच मान के चलो उसने दूसरा दाब पेच मार दिया और वो दाब पेच हमने नहीं सिखाया, वो तो हो गया चित्तोदरी। नहीं वो एक ना भाई, मैं जैसे छोटी सी एक एग्जांपल दूंगा भाइयों को, जैसे एक कोई साधु बाबा था तो वो देखता था कि उसके आसपास में तोते बहुत ज्यादा रहते थे और शिकारी आता था जाल डाल के, पहले वो चोगा खिलाता था, जाल डालता था और तोतों को पकड़ के ले जाता था, उसको फील हुआ कि यार ये नहीं होना चाहिए, तो वो साधु बाबा ने क्या किया कि एक तोते को पकड़ा, उस तोते को सिखाया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, चोगा डालेगा, पर तू फंसना मत, तू फंसना मत, तो वो तोता उन्होंने 2-3 महीने में ट्रेंड किया और वो तोतों में छोड़ दिया। तो वो क्या है कि वही काम हुआ, शिकारी आया, उसने जाल बिछाया और चोगा डाला, वो तोता बोल तो रहा है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा तो चोगा डालेगा, फंसना मत, लेकिन वही पहले जाके दाना चुगने लगा। उसका रीजन क्या है कि लोग ये तो बोल रहे हैं कि मैंने मंडी में जाना है, ठगी नहीं खानी है, भाई ठगी उनके साथ रोकनी है तो पहले वो प्रैक्टिकली इस लाइन में आए, पहले मंडियां देखें, सीखें, पहले जब भी सीखेंगे तो किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा भाई। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जोश में ना आए, जोश में ना आए भाई, सिर्फ मान के चलिए YouTube एक बहुत अच्छा जरिया है किसी को लाइन देने के लिए, लेकिन भाई जितना टाइम प्रैक्टिकली वर्क नहीं करते हैं उतना टाइम इसका हल कभी नहीं पाएगा। 5000 वीडियो पढ़े हुए, मेरे 5000 वीडियो देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप प्रैक्टिकल घोड़े के हाथ लगा के नहीं देखोगे, नहीं देखेंगे, बिल्कुल भाई बिल्कुल, क्योंकि उसमें आपको भाई तरीके ही तो बताए जा सकते हैं, कुछ जानकारियां मिल सकती है, कुछ खाने के बारे में आपको जानकारियां मिल सकती है, घोड़े में क्या देखना है ये जानकारी मिल सकती है। 50% काम चलो यूट्यूब कर देगा, पर 50% तो आपकी आंख ही करेगी, आंख ही करेगी ना भाई। वही तो चीज है कि हर बार जो आदमी जिसने अच्छे वीडियो देखे उसको ये लग रहा है कि मैंने उसके पास पैसा है और 6 महीने में मैंने सबसे ऊपर वाली लाइन में जाके बैठना है घोड़ों वाली में, तो भाई ठगी ऑब्वियसली होगी होगी। हर आदमी रिंग है और हर आदमी को रिंग एनिमल चाहिए, रिंग एनिमल चाहिए, तो अब ये उनसे ये पूछो कि रिंग में एनिमल विनर कितने बनते हैं। बिल्कुल भाई वो तो है ही है, बाकी ऐसा है ना कि जो भी नए भाई हैं, मैं हर बार बोलता हूँ कि आप जहाँ पे भी मार्केट लगती है आप वहाँ पे जाइए, अच्छे अच्छे फार्मों पर विजिट कीजिए, लोगों से जानकारी लीजिए, और जो भी जानकारी आप मान के चलिए डेली 10 लोगों को मिलते हैं और 10 लोगों की जो बातें हैं वो माइंड में रख के आप ध्यान में सोचिए कि कौन सा आदमी झूठ बोलता है, कि उतने में भाई वो सारी बातें वो सुनेगा तो उसको पता चल जाएगा भी ये लाइन में क्या है, क्योंकि 10 लोग हैं भाई, 10 में से चलो 2 झूठ बोलने वाले होंगे, 8 तो सच बोलने वाले भी होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल है ना, तो वो बातें को कंपेयर किया जाए
तो फिर डिसीजन लें। और अपना दिमाग तो लड़ाना पड़ेगा भाई, लड़ाना पड़ेगा भाई, ये तो अपनी पका के ही खानी पड़ेगी भाई, किसी की पकी पकाई से पेट नहीं भरेगा। यानी कि वो आटा दे सकता है पर रोटी खुद ही बनानी पड़ेगी, रोटी खुद ही बनानी पड़ेगी। वो जेब में पैसा लेके घूमोगे तो ठगोगे। अब बिल्कुल भाई, वो आके लोग क्या बोलते हैं कि जो नए लड़के हैं वो अपना स्टेटस बनाने के चक्कर में फोन करते हैं, भाई घोड़ी दे दो, घोड़ी अच्छी होनी चाहिए 62-63 की, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। भाई व्यापारी है यार, कहीं ना कहीं तो लालच, हमें भी पैसे की नीड है, वो आएगा ही आएगा। जब भी आके खुद वो बकरा बोलता है कि मेरे को काट दो, हलाल कर दो, तो क्यों नहीं होगा भाई, वो फिर काटना पड़ता ही है, वो काटना पड़ेगा, हम नहीं काटेंगे तो कोई और काट देगा जी। तो हम तो ये बोलते हैं कि पहले वो हमारे पास आए, आके घोड़ियां देखें, घोड़ियों के बारे में डिटेल लें, उनके प्राइस पूछें, फिर प्राइस कंपेयर करें कि भाई इस घोड़ी का आपने नया आदमी के साथ। सुगिंदर भाई एक प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे आपने देखा होगा अपन ने जितने नए लोगों के लिए काम किया, जितने नए लोगों के लिए वीडियो बनाए, मेरे को लगता है कि किसी ने भी नहीं बनाए। हाँ बिल्कुल, अपन ने जितने फॉर्मूले दाब पेज बताए वो किसी ने भी नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया, तब भी आदमी जाके फंस जाता है तो फिर क्या करा जाए। वही फिर मैंने साधु बाबा और तोते वाली बात बोली ना भाई, फिर तो फिर ये है कि फंसने के बाद में फिर फोन क्यों करता है कि प्रदीप भाई मेरे साथ ऐसे हो गया। अब भाई जब तेरे को सारे सब कुछ बताया, तेरे को घोड़ा लेने से पहले भी बताया कि सावधान रहना, जब भी तू फंस गया तो फिर क्या करा सकते हैं। बिल्कुल भाई, इसीलिए बोलते हैं कि आप 5 लाख घोड़े पे लगा रहे हैं तो 20,000 रुपए का तेल खराब कर लीजिए, जितनी मार्केटें लगती है वहां पे जाइए घूम लीजिए। हाँ घूम लीजिए, घूमने के बाद थोड़ा देखिए कि मार्केट कैसे चल रही है, कैसे जानवर बिक रहे हैं और कैसे जानवर आगे आ रहे हैं। फार्मों पे जाइए भाई, कोई भी फार्म वाला ऐसा नहीं होगा, पंजाब में एक दो तो हो सकते हैं कि वो जो नए आदमी होंगे उनको टाइम नहीं दे, नहीं तो पंजाब के अंदर एक चीज है कि अगर मान के चलो कोई भी आदमी किसी को फोन कर देगा ना भाई जब घोड़े घोड़ी देखना है तो मना नहीं करेगा, कोई मना नहीं करेगा। और या पंजाब में क्या पूरे इंडिया के अंदर अगर माने चलो घोड़ा घोड़ी देखने के लिए कोई बोलता है ना तो आदमी को क्या एक खुशी होती है जो घोड़ा घोड़ी रख रही है कि चलो हमारे घोड़ा घोड़ी देखने के लिए भी कोई आदमी आ रहा है। हाँ। तो घोड़ा घोड़ी देखने के लिए कोई आदमी, अब एक आध मना कर दे भाई, एक आध तो चलो देखो क्लास में भी हो सकता है, एक आध तो क्लास में भी पीछे बेंच वाला आराम ही रहता ही है, वो तो हर जगह एक कॉलोनी में भी रहता है, सब जगह ही रहते हैं वो। बिल्कुल, और ऐसा है ना कि जितने मान के चलिए आप 100 लोगों को मिलेंगे है ना, 100 फार्म पे विजिट कर रहे हैं तो 65 लोग ऐसे होंगे कि जो नए लड़के हैं कि उनको उनको खुशी मिलती है कि नए लड़के आगे आए, उनको बताते भी हैं, लेकिन क्या है कि उनकी बात वो आज के नए लड़के सुनते कहाँ हैं भाई, जोश ज्यादा है, उबाल जोश ज्यादा है, बस पैसा है भाई, वो जो पैसा सब कुछ करवा रहा है, उनको लगता है कि हम पैसे से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन भाई मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ, पैसे से आप हर चीज नहीं कर सकते हैं, कुछ चीजों के लिए आपको अपना दिमाग, पैसे की ज्यादा गर्मी दिखाओगे तो मार्केट में लोग बैठे हुए ही है तलवार वलवार लेके, तो तुम्हारे 2 मिनट में कर देना जैन साहब। इसीलिए भाई आपको पैसे से नहीं भाई, आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा, चाहे 1 महीने की जगह 2 महीने लग जाए आपको घोड़े खरीदने में, पर तसल्ली से खरीदो, तसल्ली से खरीदे। अगर आपको लगता है भाई मेरे पास में दिमाग नहीं है, दिमाग का अभाव है, तो जो आदमी पे आप हल्का सा भरोसा करते हो उस आदमी से दिमाग ले लो। बिल्कुल भाई, अगर कोई चीज के बारे में अपन को नॉलेज नहीं है तो भाई मेरे को आपसे नॉलेज लेने में क्या जा रहा है बताओ भाई। प्रदीप भाई कोई सपोज कीजिए कोई मेरे पास कोई आदमी आ रहा है और वो आदमी आके मेरे को ये बोल रहा है कि भाई मेरे को नहीं पता ये कितने का है कितने का नहीं, मेरे को आप दे दीजिए कि मैं तो हर आदमी को ये बताऊंगा कि मैंने भाई से लिया और भाई ने दिया, मैंने तो मोल भाव भी नहीं किया। और वहां पे प्रदीप यूट्यूबर वाले जितने भाई हैं उनसे हमें भी डर लगता है भाई, क्योंकि वो जानते हैं लोग हैं, लोग बहुत अच्छे अच्छे विद्वान बैठे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, कि जो आदमी किसी के ऊपर भरोसा करके आता है उसको गलत जानवर नहीं दे सकते हैं और ना ज्यादा बड़े प्राइस में दे सकते हैं, कि ठगी भी नहीं मार सकते, क्योंकि वो आदमी तो खुल के बोलेगा कि भाई मैंने उससे लिया है और उसने दिया है। वो आदमी का फिर पूरा जो मान के चलो 15 साल का जो बिल्डिंग है वो समाप्त एक वीडियो से ही, एक वीडियो से वो समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन वो जो नए लड़के हैं उनको लगता है वो अपनी होशियारी दिखाते हैं, वो सोचते हैं कि जो ये 20 साल से काम कर रहा है इसको तो कोई पता ही नहीं है, जो कर रहा हूँ वो तो मैं कर रहा हूँ, किसी के ऊपर भरोसा करो यार, भरोसा करोगे तो कुछ लोग तो मैंने मार्केट में ऐसा भी देखा 1 साल उनको आए हुए नहीं हुआ और उनको ऐसा लगता है कि मेरे को 40 साल के आदमी के बराबर अनुभव है। बिल्कुल, तो उसके लिए तो भाई तेरे को 40 साल जैसे उस आदमी ने खर्रा बंस करा और अपनी घिसवाई है तो तेरे को भी घिसवानी पड़ेगी जब जाके तेरे को 40 साल का एक्सपीरियंस आएगा। मेरे मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, जैसे मेरे जो जिनको देख के मैं चलता हूँ अंकल जसपाल बराड़ जी हैं, तो उनकी काफी चीजें हैं जो मैं फॉलो करता हूँ जो मेरे को अच्छी लगती है, क्योंकि मार्केट में हर आदमी को कोई ना कोई अच्छा लगता है। और आज तक ना तो अंकल जसपाल जी से मैंने कभी कोई एनिमल्स लिया है ना दिया है,
वो तो देखो यार एक चीज वो होती है, जैसे मान के चलो किसी का, मान के चलो अमिताभ बच्चन वो हीरो है, तो उसने कोई लिया दिया थोड़ी है। हाँ। पर वो तो अपने मन की श्रद्धा कि हम किसको मान रहे। हाँ, मेरा हीरो वो है, कल को जाके किसी में जगह पे बैठा हूँ और मैं अंकल जसपाल को पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि अंकल आप गलत हैं मैं सही हूँ, तो वो गलत बात है यार। उनके साथ क्या है कि आज उनके बराबर अनुभव आपको थोड़ी ना है। मेरे को थोड़ी, जितनी मेरी उम्र है उससे ज्यादा उनका, उनकी आंख जो परख लेगी वो आपकी आंख नहीं परख पाएगी। जो उनका एक्सपीरियंस है भाई, जितना उनका मान के चलिए मेरी उम्र है उससे ज्यादा का उनको एक्सपीरियंस है भाई। मैं कहाँ तक रल पाऊंगा उनके साथ भाई। और जो नए लड़के हैं उनको ये लगता है कि हमें ज्यादा पता है, वो सिखाने की कोशिश करते हैं, सीखने की नहीं करते, सीखने की नहीं करते हैं। तो फिर आदमी को कई बार अंदर से थोड़ा खिजल भी सीखने को, तो क्या भाई बच्चे से भी सीखने को मिले तो सीखो यार, सीखो भाई क्या। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी उम्र 60 साल है। अब मान के चलो तुम रेलवे में हो तो रेलवे के बारे में तुमको एक्सपीरियंस होगा। हाँ, बिल्कुल। अब घोड़े में हो तो घोड़े वाले से ही कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा ना। अब रेलवे की जो चीजें है वो घोड़े में थोड़ी काम आएगी। नहीं बिल्कुल भाई, बिल्कुल वही तो चीजें हैं भाई। नहीं हर आदमी को पता होता। मैं पूरी जिंदगी मैं यही चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट बना रहा हूँ, क्योंकि जितना टाइम हम भाई स्टूडेंट बने रहेंगे लोगों से सीखेंगे। और मैंने देखा है कभी कभार 50 साल का जिनको एक्सपीरियंस है ना वो भी फंस जाते हैं, फंस जाते हैं। तो एक साल वाला अगर यूँ कह दे कि मैं पूरा सीख गया तो तू तो कहाँ से सीख गया भाई। नहीं बिल्कुल भाई, वो तो कभी भी नहीं परफेक्ट नहीं है। तो नए दोस्तों के लिए तो मेरा यही मैसेज है कि प्लीज भाई आप जल्दी मत कीजिए और मेरी बातों को माइंड मत करना कि मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो नए लोग हैं जुड़ रहे हैं उनको सतर्क कर रहे हैं कि ये मार्केट में घोड़ों के मार्केट में अपना काम है सतर्क करने का। हो जाओ तो ठीक है, बना हमारी जेब से तो पैसा जा नहीं रहा, तुम्हारी जेब से जा रहा है। हमारे तरफ से 1 लाख रुपए की ठगी लगवाओ या 10 लाख की लगवाओ या 1 करोड़ की लगवाओ, अपन को क्या फर्क पड़ने वाला। कोई फर्क नहीं, फर्क नहीं पड़ने वाला बिल्कुल। लेकिन फिर एक चीज है ना भाई, हमें वो एक चीज का तो दुख लगेगा, क्योंकि जो नए भाई है हम ये जो फैमिली है घोड़ों की फैमिली है इसको बड़ा करना चाहते हैं, जिसके साथ ठगी हो जाती है ना वो छोटा करने पर लग जाता है, वो फैमिली का मेंबर एक कम हो जाता है उसमें। वो एक नहीं कम होता है, उस आदमी ने 5-7 आदमियों को और जोड़ना था वो फैमिली में। वो कम कर देगा, वो कम कर देगा, ऐसे होता रहेगा। तो ये जो घोड़ों वाले का परिवार है, जो फैमिली है, ये बहुत छोटी रहेगी। और अभी मेरे को लगता है कि जितने घोड़े वाले है ना उसके 25% घोड़े वाले मार्केट में घोड़ा लेना तो चाहते हैं पर वो डरे हुए कहां से लें, क्योंकि हमारे पास बहुत फोन वगैरह आते हैं तो उससे पता लग जाता है कि आदमी डरा हुआ है, लेना तो चाहता है। अब वो आदमी पूछता है कि प्रदीप भाई घोड़ा कहाँ से लू, तो मैं उसको भाई कैसे बता सकता हूँ कहाँ से ले। मेरे लिए तो आप अच्छे हो, ग्राहक के लिए कैसे, वो मेरे को कैसे पता, कुछ भी नहीं पता। क्योंकि मेरे को तो ना आपसे घोड़ी कवरिंग करानी, ना मेरे को घोड़ा लेना, ना मेरे को कुछ। मेरे लिए तो आप बहुत अच्छे हो भाई। अब ग्राहक के लिए कैसे वो, मैं कैसे बोल सकता हूँ। बिल्कुल भाई, मैं कैसे इशारा कर सकता हूँ कि तू वहां से ले ले। नहीं सही है भाई, आप तो बोल भी नहीं सकते हैं। आप तो मैं कभी बोलता भी नहीं। हाँ, और सभी भाइयों के लिए जो प्रदीप को ये सवाल पूछते हैं कि घोड़ा कहाँ से लें, उसके लिए मैं आपको रिप्लाई करता हूँ कि आप कहाँ से लें। आप पहले घूमें, आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान के जितने फार्म हैं उन पे विजिट करें, यूपी के हैं तो यूपी घूमें, पंजाब के हैं तो पंजाब में घूमें। चाहे घूमने का सबसे पहले तो घोड़ा घोड़ी खरीदने से पहले घूमने का बजट डिसाइड करें कि भाई इतने पैसे में हमको खाली घूमना ही घूमना है, सिर्फ घूमना ही घूमना है। बिल्कुल, घोड़ी ये मान के चलिए यार आज 7 लाख की घोड़ी ले रहे हैं ना, और उसे लेने से पहले 6 महीने के लिए 1 लाख रुपए का आप डीजल या पेट्रोल है वो फूंक दोगे ना, पैसा उतना वेस्ट कर दोगे। तो मैं मानता हूँ कि वो 7 वाली 6 में मिल जाएगी, बजट सेम ही रहेगा। बिल्कुल बराबर में आ जाएगी, बजट तो बराबर में रहेगा। चाहे तो जाके सीधा हलाल हो जाओ, चाहे वो लाख रुपया, चाहे तो गली गली में घूम घूम के जाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बजट वहाँ पे रहेगा। बिल्कुल, थैंक यू सुखजिंदर भाई, बहुत अच्छी जानकारी आपने आप लोगों को दी। कोशिश करेंगे लोग सुधरें, और जिसको नहीं सुधरना था वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा है अपने हाल पर है कोई दिक्कत। पर एक आदमी भी सुधर गया तो भाई चलो उसका जिंदगी तो बचा ही ली ना अपन ने। बिल्कुल भाई, हम भी थिंकिंग ही ये है भाई, ये फैमिली बड़ी करनी है भाई, हमने बहुत बड़ी करनी है। छोटी करने से तो कोई मतलब नहीं, छोटी करने से सबों को नुकसान है भाई, और बड़ी करने से सबों को फायदा है। फायदा है, जितनी बड़ी होगी उतने ही घोड़े घोड़ी लेने वाले लोग मार्केट में आएंगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल यही है। ओके, थैंक यू सुखजिंदर। ओके भाई, थैंक यू।